नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 20 पोस्ट के टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल सीएम सखियू ने इस्तीफा की पेशकश की, एक घंटे पहले मंत्री ने कैबिनेट छोड़ी। विधानसभा में मार्शल बुलाने पर भाजपा एमएलए का हंगामा। पीएम ने थथुकुड़ी में 13,300 करोड़ के प्रोजेक्ट इनोग्रेशन किए, बोले सच कड़वा होता है। यूपीए सरकार ने अपने विकास की फिक्र नहीं की। एमपी बिहार झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट, 1-2 मार्च को भी ओला आंधी की आशंका, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। गुजरात के पोरबंदर में 3,132 केजी ड्रग्स जब्त, इसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 5 विदेशी तस्कर भी गिरफ्तार। संदेश खाली केस, बीजेपी को धरना देने की परमिशन, एससी बोला 150 से ज्यादा लोग ना हो। बीजेपी का आरोप था सरकार प्रोटेक्ट नहीं करने दे रही। यूके सांसद बोली भारतीय एजेंट सिखों को निशाना बना रही, दावा एजेंट की हिट लिस्ट में कई ब्रिटिश सिख, हत्या की साजिश का जिक्र किया। मालदीव पहुंचा भारत का टेक्निकल स्टाफ, 10 मार्च को लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगा, मालदीव की रेस्क्यू यूनिट की मदद भी करेगा। नोबेल प्राइज जीतने वाले रूसी संगठन के चेयरमैन को सजा, सेना का अपमान किया था, जंग की शुरुआत के बाद लाए गए नए कानून के तहत जेल। इमरान की पार्टी 2 मार्च को पाकिस्तान में प्रदर्शन करेगी, कहा चुनाव में इससे ज्यादा धांधली कभी नहीं हुआ, दूसरी पार्टियां भी मदद करे। एक और करप्शन केस में इमरान बसूरा पर आरोप तय, खान ने नहीं पढ़ी चार्जशीट की कॉपी, जज से कहा मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण आंदोलन की एसआई सीट जांच कराएगी, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश, जरांगे ने कहा था मुझे जहर देने की कोशिश हो रही। शिवसेना के उद्धव गुट की बड़ी मुश्किलें, पार्टी फंड से 50 करोड़ निकालने पर एक्शन। मराठा आंदोलन 3 मार्च तक स्थगित, मनोज जरांगे ने बताई वजह। आज फिर होगी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव गुट की बैठक, लोकसभा सीट बंटवारे पर लगेगी अंतिम मोहर। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, वजह भी बताई। प्रयोगशाला सहयोगियों को S8 के तहत मिलेगा वेतन, सरकार को भेजा गया पत्र। JBS के मरीजों को बड़ी राहत की घोषणा, 5,000 का इंजेक्शन मुफ्त मिलेगा। नागपुर के लिए अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान, मिहान को मिलेगा 100 करोड़ रुपए। मांगों को लेकर बिजली कंपनियां के ठेका कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज में हो सकता प्रभावित। सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले दुल्हन के माता पिता को मिलेगा 20,000 रुपए। नीता अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी देने का तैयारी, रिलायंस डिज्नी मर्जर पर आया बहुत बड़ा अपडेट। सोना की कीमतों में मामूली बढ़त, चांदी हुई सस्ती। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, नहीं देना होगा टैक्स। कम नहीं हो रही बायजूस की मुश्किलें, निवेशकों ने लगाया 4,420 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। लोगों को रास नहीं आया कंपनी का फैसला, वोडाफोन ने निवेशकों के डुबाए 10,660 करोड़ रुपए। 5वें टेस्ट में भी बाहर हो सकते हैं राहुल, इलाज के लिए विदेश गए, इंग्लैंड से सीरीज में एक ही मैच खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे डेविड कॉर्नवे, लैथम के साथ अब विलिंग यंग ओपनिंग करेंगे। WPL 2 में RCB की लगातार दूसरी जीत, गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा। सैलरी ना मिलने पर हॉकी इंडिया के CEO का इस्तीफा, कहा गुटबाजी में काम करना मुश्किल था, 13 साल से पद पर थी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के आपत्तिजनक इशारे पर कंट्रोवर्सी, फैंस ने मेसी मेसी के नारे लगाए तो फुटबॉलर ने इशारा किया, जांच जारी। महाराष्ट्र टीवी 24 की टॉप 30 हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।